आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। यूपी में आज भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वही न्यूनतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच सकता है। इस दौरान गर्मी का प्रकोप तो बढ़ेगा, लेकिन लू चलने की संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम भी साफ रहेगा। अलीगढ़ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं। इस सरकार में हर तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले गिरोह का काम अधिकारी ही करते हैं, और जिनमें आम लोग, राजनेता और कई अधिकारी मिलकर ये गिरोह चलाते हैं। आपको बता दें कि कुआरसी थाना इलाके के सर्किट हाउस में ये बयान दिया गया है। सुझाव यही है कि माताएं थोड़े से सतर्क रहें और अपने बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी संस्कारिक करें, क्योंकि यहाँ महिला सशक्तिकरण की तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन पुरुष और लड़कों के नवीनीकरण की बात नहीं करते हैं। दे नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड टोल्ड कि उनको क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। जैसे लड़कियों को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा दिख रहा था, उसके सतर्क रहो, तो लड़कों को भी बताना है कि ये गलत है, ये सही है, ताकि वो गलत रास्ता। और ये जो चीज़ें हैं समाज में जो उभर रही हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर सरकार में, उनका काम यही रहता है कि किसी तरह से इस सरकार को बदनाम करो। हर सरकार में रहता है ये, पहली इस सरकार की बात। बदायूं में परिवहन निगम स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने की। इस दौरान बदायूं डिपो के चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर VCG राजीव कुमार, वरिष्ठ लिपिक हरीश वल्लभ, मयंक महेश्वर भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बदायूं में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। AMU में इंटर कॉलेज के छात्रों ने अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले पर छात्रों का कहना है कि AMU प्रशासन की ओर से अचानक प्रैक्टिकल होने की सूचना दी गई है, जबकि छात्रों ने कोई तैयारी भी नहीं की है, इसलिए प्रैक्टिकल को फौरन निरस्त किया जाए। वही प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने छात्रों की बात मानने का आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम मिलने की सूचना पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज में पहुंचकर प्रैक्टिकल एग्जाम को निरस्त करने की भी मांग उठाई है। इकट्ठे हुए थे अपने हॉस्टल में, फिर बच्चों ने प्रैक्टिकल किए भी नहीं थे स्कूल में, टीचर्स वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत कम था, एक महीने का टाइम था, 5-5 प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो बच्चे कहाँ से देंगे। फिर हम सब लोग जमा हुए, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि नीट का एंट्रेंस है बच्चों का, सब लोग उसमें बिजी हैं, तो और एग्जाम भी रिटर्न में दिए हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। प्लस टू के बच्चे हैं, उनके प्रैक्टिकल्स को लेकर कुछ इशूज थे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया है। उनके असल में कोविड जब से चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, अब यूनिवर्सिटी 1.5-2 महीने से ऑफलाइन हुई है, तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रैक्टिकल को लेके, तो उसमें प्रैक्टिकल्स को लेके कुछ जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखी है उसमें सॉल्यूशन हो गया है, बच्चे वापस जा रहे हैं। हमारी डिमांड ये थी कि साल भर में इन्होंने जो प्रैक्टिकल होता है वो साल भर का होता है, ठीक है, ये दो लोग 2 महीने स्कूल खोले, उसमें प्रैक्टिकल कराए,
तो इससे बच्चे सीख नहीं पाए चीज़ें और सही से पूरे प्रैक्टिकल हुए भी नहीं। तो ये हमारे डिमांड थी, जैद भाई भी आए और कई नेता आए, उन लोगों से मिले और कंट्रोल ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि आपको 4 में से 1 प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, आपके जो अच्छा लगे आपको आप लोग ज़्यादा धन। खबर उन्नाव से है, यहाँ एक शख्स का अपनी ही मासूम पोती को बीड़ी पिलाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 2 महीने पुराने बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर मासूम की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मासूम की मां अभी तक आरोपी ससुर के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने और बाल संरक्षण विभाग के चक्कर ही काट रही है। हालांकि बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि संबंधित मामले में पीड़िता के ससुर और देवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीड़ी पिलाते हैं मेरा ससुर और मेरा देवर, मना करो तो वो गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं। तो फिर इसका हमने वो भी किया, मतलब जैसे वो बीड़ी पिलाते हैं मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, और ऊपर से अभी जब देखो तो हमको मारते रहते हैं। तो इन लोगों ने उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया है तलाक नामे का। अब बोल रहे हम मायके में रह रहे, अब बल्कि हम ससुराल में ही रह रहे, अब मायके जब भी जाते हैं इन लोग के साथ ही जाते थे, साथ में वापस आते थे। किस थाने का मामला? ये बेहटा मुजावर थाना बांगरमऊ। आप थाने गई हैं? थाने हम कम से कम बहुत बार गए, जाते 7-8 बार अप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमसे। 2 महीने पहले ही प्रकरण मेरे सामने आया था, जिस दिन महिला आई थी बच्चे को लेकर के, हम लोगों ने बच्चे से बात की, जिला प्रशासन अधिकारी महोदय के सामने बच्चे को प्रस्तुत किया, उसके बाद उनकी अप्लीकेशन लेके बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बच्चे को तुरंत उन्होंने FIR के आदेश दिए। थाना बेटा मुजावर में इस बच्चे के बाबा तथा उसके चाचा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हो चुका है तथा उसमें विवेचना। अमेठी जामो थाना क्षेत्र के भवानीगढ़ मवाई में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसमें दोनों पक्षों की 2 महिलाएं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया और साथ ही मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जमीनी विवाद इस हद तक बढ़ गया कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। इस दौरान दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। कौन कौन लोग थे मारने में? राम सुमेर और श्यामू मारे थे, रेखा मारे हैं, सुमित्रा मारे हैं, श्रीमती मारे हैं, कौशल्या मारे हैं। किस बात के लिए के विवाद हुआ? जमीन के लिए। क्या कार्रवाई चाहती हो? बढ़े आगे हम सुलाना होगा। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक OP सिंह के निर्देश पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के जरिए नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे गए। इसके अलावा सड़क पर बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक सवार चालकों का भी चालान किया गया, और इस दौरान साथ ही चालकों को जन सहयोग से 50 हेलमेट भी बांटे गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यातायात जागरूकता अभियान के तहत बीच सड़क पर जिन दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे उनके चालान काटने के साथ ही उनको हेलमेट भी दिए गए। शासन के निर्देशों के अनुसार ये सड़क सुरक्षा के तहत एक अभियान चल रहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक किया जाए, जिसमें उनको हेलमेट लगाना ताकि उनकी जीवन की सुरक्षा हो सके। इसी क्रम में हमारे इंस्पेक्टर उदयती द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसमें जन सहयोग से उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को हेलमेट वितरित किए जिनके पास हेलमेट नहीं थे अथवा वो हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। तो ये एक तरह का एजुकेशनल। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अग्रौला कट रोड पर थाना ट्रॉनिकल सिटी पुलिस ने एक बदमाश को रोका, तो बदमाश कार लेकर कोचिंग सेंटर की ओर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग करता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार हो गया और अन्य 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। सिटी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। स्विफ्ट कार थी, उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो अचानक से तेज़ी से स्विफ्ट कार भागने लगी,
थाना टोलका की टीम ने पीछा किया। पीछा करते हुए अगराला कट पे घेराबंदी का प्रयास किया, जिससे उसमें से दो बदमाश उतर करके फायरिंग करते हुए भागने लगे। तीसरा बदमाश अगराला कट पे ही दूसरे रास्ते पे आ गया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको तुरंत चिकित्सा हेतु रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कठानाला सराय बेरिया खेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्शन करके घर वापस जा रहे पांच लोगों से भरी कार का टायर फटने से कार पुलिया से टकरा कर खाई में गिर गई। वही इस पूरे हादसे के बाद घायलों ने बताया कि सभी लोग बक्सर से दर्शन करके घर वापस लौट रहे थे, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ। इस दौरान चारपहिया वाहन का टायर फट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 111 पर पूरे मामले की सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लालगंज रोड पे सरायबरिया के पास एक कार पलटी थी, जिससे पांच लोग घायल थे, जिनमें सभी का मैंने प्राथमिक उपचार करके उनको दिलासा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।